हरी ओम फ्रेंड्स, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की रैबिट कैप बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। और ये जो मैंने कैप बनाई है ये 7 से लेकर 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो आज मैं आपको जो बनाना बताऊंगी वो 5 से लेकर 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 12 नंबर की नीडल ले रखी है, ठीक है। और इस तरह का ये वाइट कलर का वूल लिया है और ये वूल मेरा 3 प्लाई का वूल है। तो चलिए आज हम इस तरह की रैबिट कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फंदे बनाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आप इस तरह से एक नोट बना लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और इस सिलाई को अब हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें फंदे बनाएंगे। ये देखिए, ये फंदा लिया और इस फंदे को हम इस तरह से घुमा के, ये देखिए इस तरह से इस सिलाई में डाल देंगे, ठीक है। फिर हम एक फंदा और बनाएंगे, इस तरह से निकालेंगे और इस फंदे को इस सिलाई में डाल देंगे। फिर से देखिए, इस तरह से हमने ये अपने सभी फंदों को बना लेना है। तो यहाँ पर मैं 10 फंदे बना लेती हूँ इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से मैं 10 फंदे बना लूँगी। ये मेरे 4 फंदे बनाए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 12 फंदे डाल लिए हैं। और अब हम एवरी फंदे को इस तरह से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं 2 सिलाइयों को बना लूँगी, इस तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयों को बिल्कुल सीधा सीधा बना लिया है। और अब हम नेक्स्ट में देखिए क्या करेंगे। जैसे मैंने ये 12 फंदे लिए हैं तो 5 फंदों को मैं इस तरह से सीधा बना लेती हूँ। ये देखिए, 5 फंदे मैंने यहाँ से सीधे बना लिए और 5 ही हमारी ये इधर से हो जाएंगे। और बीच के जो 2 सेंटर वाले होंगे उनमें हम जाली बनाएंगे। तो देखिए, धागा आगे करेंगे और यहाँ पर जाली बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पर जाली बना लेंगे। 2 फंदों पर हमने जाली बना लेनी है। और नेक्स्ट वाले जो फंदे हैं उनको हमने इस तरह से सीधा बनाते हुए जाना है। और जो हमारी उल्टी रो होगी उसको हमने उल्टा बनाना है। तो ये देखिए, नेक्स्ट हमारी जो उल्टी रो होगी उसको हम इस तरह से बनाते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये वाली रो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रो के मैंने सीधे यहाँ पर 5 फंदे बिल्कुल सीधे बना लिए हैं। और नेक्स्ट में हमने यहाँ पर जाली बनाई थी तो एक फंदा हमारा यहाँ पर ये बढ़ गया है, तो इसको अब हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। और इस फंदे में अब हम जाली बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर से बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, 2 फंदों में हमने जाली बना ली और नेक्स्ट के जो फंदे हमारे होंगे उनमें हम सीधा इसी तरह से बनाते जाएंगे। और नेक्स्ट उल्टी रो को हमने उल्टा कंप्लीट कर लेना है, तो मैं उल्टी रो कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी अब नेक्स्ट रो आ गई है। नेक्स्ट रो में हमने देखिए यहाँ पर 7 फंदों को सीधा बना लिया है। तो एक एक फंदा हमारा फ्रेंड्स यहाँ जाली बनाने से बढ़ता जाएगा, ठीक है। और देखिए, ये जो हमारा जाली वाला फंदा है, ये जो एक फली सी बनी हुई दिख रही है, यहाँ से ये हमारी जाली बन जाती है। तो यहाँ से अब मैं यहाँ पर जाली बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट में फिर मैं इसी तरह से जाली बना लूँगी और बाकी सब फंदों को सीधा बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 रो में जाली बना ली है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं 6 सिलाइयाँ और बना लूँगी जिसमें हमारी 3 जालियाँ बन जाएंगी। तो मैं ये 6 जाली बनाकर आपको दिखाऊँगी अब। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6 जाली तक इसे बना लिया है। जैसे मैंने लास्ट की आपको 3 रो बनानी बताई हैं, सेम वैसे ही मैंने ऊपर से ये 6 रो को
तीन रो का आप आगे पीछे वाली लगा लें। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ से बढ़ा लिया है। तो अब हम इसके ईयर बनाएंगे। तो ईयर बनाने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली जो रो है इसको मैं सीधा बना लेती हूँ हाफ तक। तो ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ तक है, यदि जो जाली बन रही है इस जाली के पॉइंट तक, यहाँ तक मैं पूरा हाफ तक बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये देखिए जो हमारी जाली जा रही है, इस फंदे से पहले के सारे फंदे इस सिलाई में सीधे बना लिए हैं। और अब हम उल्टे सिलाई में ये देखिए क्या करेंगे, इन दोनों फंदों को ये देखिए मैंने एक कर लिया, ठीक है। ये देखिए दो फंदे हमने यहाँ से घटा लिए और बाकी सब फंदों को हम सीधा बनाते हुए लास्ट के दो फंदे को फिर घटा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लास्ट के दो फंदे आ गए हैं। इसको हम इस तरह से उल्टा घटा लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में जो हमारी ये सीधी रो है, ये देखिए यहाँ तक हम बिल्कुल सीधा बना लेते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाफ तक मैंने इसको सीधा बना लिया है, ठीक है। और अब फिर हम इसी तरह से जैसे हमने लास्ट में ये दो फंदों को इधर से घटाना है और दो फंदों को लास्ट में घटाना है, तो ये देखिए इस तरह से अब हम ये पीछे से दो दो फंदे घटाते जाएंगे एवरी, जब तक हमारी ये एक फंदा नहीं हो जाता तब तक हम इसको ये देखिए इस तरह से दो दो करके घटाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये देखिए जो हमारे ये फंदे हैं इनको दो दो करके घटाते हुए एक तक आ जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने घटाते हुए लास्ट के सिर्फ एक फंदे पर रह गई हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक लास्ट का एक फंदा रह गया है और अब हम सीधी सिलाई से इस एक फंदे को दोबारा से सीधा बना लेंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से इस तरह से इस फंदे को लेंगे और जो हमने ये देखिए ये घटा रखे हैं, ये वाला हमारा फंदा घटा हुआ है ना, तो इस फंदे को हम इस तरह से दूसरी सिलाई में ले लेंगे और ये देखिए इस सिलाई को यहाँ से इस तरह से ले लेना, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से सीधी सिलाई आ गई हमारी, तो ये देखिए इस तरह से हमने इस फंदे को सीधा बुन लेना है, फिर हमने ये भी सीधा बुनना है। और अब जो हमने फंदा यहाँ पे घटाया था, ये देखिए ये रहा ये फंदा, इस फंदे को इस तरह से उठाकर सीधा बुन लेंगे, ठीक है। और इसको अब हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम नेक्स्ट में जो हमारा ये वाला फंदा है, देखिए ये आपको दिखेगा साफ, ठीक है, इस फंदे को उठा लेंगे और इस सिलाई में डाल लेंगे। ये देखिए, या आप इस सिलाई से इस तरह से उठा लीजिए और इसको ये देखिए इस सिलाई में डाल लीजिए, ठीक है। और जब हम सीधा बनाएंगे तो इस फंदे को बुन लेंगे, जो हमने ये फंदा उठाया है इस फंदे को यहाँ से, ये देखिए अब मैं इसको बुन लूँगी इस तरह से, देखिए थोड़ा सा उठाने में गिर गया है मेरा, तो इसको दोबारा से हम उठा लेते हैं इस तरह से और ये देखिए यहाँ डालेंगे और फिर इसको भी ये देखिए इस तरह से भून लेंगे और फिर इन सब फंदों को इस तरह से बनाते जाएंगे। और बस अब हमने जहाँ तक फंदे घटाए हैं वहाँ तक इसी तरह से एक एक फंदे को, ये देखिए ये हमारा फंदा हो गया, इस फंदे को इस तरह से उठा लेंगे और इसको बोल लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो मैं आपको ये एक ईयर बिल्कुल अच्छे से बनाना बता देती हूँ। जो हम सेकंड ईयर बनाएंगे, दूसरे वाला बनाएंगे, उसको आप
इसी तरह सेम प्रोसेस से बना लिया। देखिए ये फंदा मैंने उठा लिया, ये देखिए यहाँ से ये फंदा मैंने उठा लिया है, और अब इसको हम सीधी सिलाई में इस तरह से बुन लेंगे। देखिए यहाँ से ये थोड़ा टाइट हो जाता है, इसे लूज कर ले थोड़ा, ये देखिए ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको उठा लेंगे और फिर इसको इस तरह से सीधा बनाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये फंदे यहाँ से बढ़ाते जा रही हूँ, तो यहाँ तक हमने ये फंदों को बढ़ा लेना है दोनों तरफ से, ठीक है। तो मैं ये आपको यहाँ तक बढ़ाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे ये बढ़ाते हुए कुछ ये इस तरह से बन जाएगा, और ये देखिए ये आप सामने से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा ईयर बन जाएगा एक साइड का, ठीक है। अब इसी ही तरह से हमने दूसरी तरफ बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारा ये वाला फंदा है जाली वाला, उस फंदे को हमने ये देखिए यहाँ से ये जाली वाले फंदे की जो फली में आ रहा है, इस फंदे को हम इस तरफ ले लेंगे सीधा, और इसको अब हमने नहीं बुनना, ठीक है। अब हमारे जो ये वाले लास्ट वाले फंदे हैं उनको हम इस तरह से बुनते जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट सिलाई में हमने बिल्कुल सीधा बनाना है, ये देखिए इस तरह से हमने पूरी सिलाई को सीधा बना लेना है। और देखिए एक बात और बताऊँ फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पर ये फंदे बढ़ाने हैं, जब हमारे यहाँ पर देखिए 12 हैं, ठीक है, इस तरफ हमारे 12 फंदे हैं, तो यहाँ पर भी जब हम इस तरफ बढ़ाते जाएंगे तो हमारे यहाँ पर जब 12 फंदे आ जाएँ तो हमने समझना है कि हमारा ये एक ईयर बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरफ हमें पूरे 12 फंदों को कंप्लीट कर लेना है, और नहीं तो आप पहले इन फंदों को गिन लें फिर इतने फंदे ही यहाँ पर कंप्लीट कर लें। तो अब ये हमारे 12 फंदों की इस तरफ भी हैं, और इसे भी हम लास्ट जैसे हमने बनाया है, देखिए इस तरफ से 2 घटाएंगे, ठीक है, ये देखिए 2 घटा लिए हमने। बीच वाले सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए लास्ट के जो हमारे ये देखिए जो हमने ये जाली बना रखी है, जाली से पहले वाला जो फंदा है, ये देखिए ये दो ये इन फंदों को हम घटा लेंगे। तो मैं आपको दिखा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारा ये जाली का फंदा है, इस फंदे को छोड़ देना है, ये जो हमारे 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को हमने एक कर लेना है। तो ये देखिए इन 2 फंदों को मैं इस तरह से एक कर लूँगी। जैसे हमने यहाँ पर लास्ट में एक एक फंदा घटाया है, तो जब तक हमारे एक नहीं हो जाता तब तक हमें इन फंदों को इसी तरह से घटाते जाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको इसी तरह से घटा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला सेकंड ईयर भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। ये देखिए जैसे मैंने इस ईयर में आपको घटाना फिर यहाँ से बढ़ाना बताया है, सेम उसी ही प्रोसेस से मैंने ये वाला ईयर भी इसी तरह से बना लिया है। और अब मेरे लास्ट में यहाँ पर 12 फंदे आ चुके हैं, तो अब हम उल्टी सिलाई में देखिए क्या करेंगे, ये पूरी सिलाई को ही उल्टा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से मैं इसको इसी तरह से पूरे फंदों को इस तरह से उल्टा बनाती जाऊँगी। ये देखिए जो हमारा ये बीच में जाली वाला आया है, इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ तक जाली तक से एक फंदा छोड़ के यहाँ तक मैं उल्टा बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मैंने 12 फंदे थे उल्टे बना लिए हैं, और जो ये हमारा जाली वाला फंदा आ रहा है, ये देखिए इस फंदे को हम इसी तरह से स्लिप कर लेंगे यहाँ पे, और आगे हम फिर सभी फंदों को उल्टा बनाते जाएंगे। तो मैं इसी तरह से इसको उल्टा बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब सीधी सिलाई में मैंने यहाँ पर 11 फंदों को सीधा डाल लिया है, ठीक है, और जो हमारा ये एक 12वां फंदा रह गया है, और जो ये हमारा देखिए चैन वाला फंदा है, इन दोनों को हम इस तरह से इस सिलाई में ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं पीछे से ये वाला फंदे को ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर लूँगी, और आगे वाले फंदे को सिलाई को निकाल के इस फंदे में डालूँगी। अब हम ये वाले 2 फंदे इस तरह से घटा देंगे, और ये जो हमारा
फली वाला फंदा है उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर से निकाल दूँगी। ठीक है, ये मेरा फली वाला जो फंदा था उसको मैंने इसमें से निकाल दिया है, और बाकी जब हमारे फंदे बचेंगे उनको मैं इस तरह से सीधा बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको हमने सीधा बना लिया। और अब जो ये हमारी, ये देखिए ये वाली जो रो है इसको हम इसके साथ ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ से एक फंदा इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए, और इसको बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको उठा लिया, और यहाँ से इसको अब हम घटा देंगे, उधर से उठाएंगे और इधर से फिर हम इसको घटा देंगे। ये देखिए इस तरह से अब पूरी सिलाई हम इसी तरह से उल्टे फंदों की बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी सिलाई मैं उल्टे फंदों की बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बना ली है। और अब हमने जो ये देखिए ये वाली रो है इसको हमने इसके साथ बनाते जाना है, ताकि ये हमारी जो चीज़ है इसके साथ जुड़ती जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से ये एक फंदे को उठा लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से उठा लिया, और फिर हम इसको इस तरह से बुन लेंगे, उल्टा ही बुन लेंगे इस तरह से। और सीधी सिलाई में इस फंदे को हम इस तरह से घटा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो फिर बाकी हम ये सिलाई को सीधा बुनेंगे जहाँ तक हमारी जाली, देखिए देखिए जहाँ तक हमारी ये जाली बन रही है, ये देखिए जो चैन बन रही है वहाँ तक हम इस तरह से ले जाएंगे। और अब हमारा ये वाला फंदा इस सिलाई में ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और इस फंदे को भी इस सिलाई में ले लेंगे। और पीछे से हम ये वाले फंदे को यहाँ से उठा लेंगे और इस फंदे को आगे से ले लेंगे, और यहाँ से हम दो फंदों को एक कर लेंगे, और जो हमारा ये वाला फंदा होगा उसको हम इस तरह से घटाते जाएंगे, और ये हम बाकी सारे फंदों को इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। और लास्ट में फिर जाएंगे जब हम, अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट का जो हमने फंदा बनाया, अब इसके साथ अब यहाँ से फिर एक फंदा उठा लेंगे, ये देखिए ये वाला फंदा, यहाँ से ये वाला फंदा उठाया, इसको हमने इस तरह से सीधा बुन लिया। ठीक है, और फिर हम उल्टी तरफ से यहाँ से इसको घटा लेंगे, और बाकी पूरी सिलाई को हम उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई को हमने पूरा उल्टा बना लेना है, और साइड से फिर इसी तरह से ये फंदे को उठाना है, फिर इसको हमने उल्टा बुनना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बुनेंगे, और ये देखिए, और सीधी सिलाई में इस फंदे को हम इस तरह से घटा देंगे। तो ये प्रोसेस हमें फ्रेंड्स यहाँ नीचे तक करते जाना है, जब तक हमारी ये वाली रो को, ये देखिए ये जो साइड है ये कवर ना हो, ठीक है, तब तक लास्ट तक हमें साइडों में इसी तरह से घटाना है और फिर बढ़ाना है। ठीक है, और अब यहाँ से हमने, देखिए एक बार फिर से बताती हूँ यहाँ से कैसे करना है हमने, ये देखिए ये वाला फंदा आ गया हमारा चैन वाला, तो ये वाला फंदा और ये वाला फंदा इस तरह से उठाना है, और ये देखिए ये वाला फंदे को इस तरह से उठाएंगे और इस फंदे को इधर कर लेंगे, और अब ये दो फंदे इस तरह से बनाएंगे, और फिर इसको इस तरह से घटाते जाएंगे, और बाकी फंदों को हमने सीधा बनाना है, और फिर लास्ट में यहाँ से एक फंदा उठाना है और फिर उसको उल्टी सिलाई में घटा लेना है। तो इसी तरह से मैं ये लास्ट की दो सिलाइयों को छोड़कर यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बनाकर इसके लास्ट में पहुँच चुकी हूँ, और देखिए अब हमारी यहाँ पे दो सिलाइयाँ और आएंगी, अब हम उल्टी सिलाई को सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए
उल्टी सिलाई को मैं यहाँ से इस तरह से सीधा बना लेती हूँ। ये देखिए, तो इस पूरी सिलाई को मैं इस तरह से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट हमारी सिलाई है। ये देखिए, ये जो एक फंदा हमने यहाँ से पकड़कर उठाया था, उस फंदे को तो हम इस तरह से घटा लेंगे, जो हम उल्टी तरफ से उठाते हैं। ठीक है, और बाकी सब फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे बिल्कुल। अब हमने जो ये बीच में घटाते थे उसे हमने बंद कर दिया है, तो अब मैं इस पूरी सिलाई को इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी, और लास्ट में जो हमारा ये रह गया है इसको भी फंदे को उठा लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारा अब ये एक लास्ट वाला ये रह गया है, इसको अब हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गई साइड, और आगे से अब हम यहाँ से पूरे फंदे को इस तरह से, ये देखिए, पहले ये दो फंदों को तो मैं घटा लेती हूँ इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से घटा लिया, और इसी तरह से अब हम सभी फंदों को घटाते जाएंगे, और घटाते समय धागे को थोड़ा सा ढीला रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से घटाते जाना है हमको, ये देखिए इस तरह से इस फंदे को यहाँ डालेंगे, और इस तरह से बिल्कुल लूज़ हाथ से हमें धागे को छोड़ना है। ये देखिए दोबारा से, ये देखिए बिल्कुल ढीला छोड़ना है, ताकि हम जब डालें तो कैप थोड़ी सी लूज़ भी रहे पहनाने को। तो इसी तरह से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी घटाते हुए, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने घटाकर इस धागे को सुई में डाल लिया है, और इधर से हम अच्छे से इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, और बाकी धागे को मैं इस तरह से इसके अंदर करते हुए सिलाई में डाल दूँगी, ये देखिए, और यहाँ से इस धागे को कट कर दूँगी। ठीक है, देखिए ये हमारी कैप कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये देखिए, धागा को मैं अंदर कर लूँगी, ये देखिए खींचते समय थोड़ा सा ये धागा बाहर आ गया होगा, तो ये देखिए हमारी कैप बन गई है, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से दिखेगी, और इस तरफ से ये इस तरह से दिख रही है, और अब हम इसमें मोती, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोती हम यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी कोई भी साइड को फ्रंट में कर सकते हैं, आप इस साइड को भी फ्रंट में कर सकते हैं, और इस साइड में, मेरे को ये वाली साइड अच्छी लगती है, तो मैं ये वाली साइड फ्रंट में कर रही हूँ। तो अब हम इसमें पर्ल लगाते हैं, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक धागा डाल रखा है, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से इस पर्ल को लगा लेंगे। आप पर्ल की जगह स्टोन भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो, या आप वूल से भी इसकी आइज़ को बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसकी ये आइज़ को डेकोरेट कर लिया है, और ये देखिए यहीं से ही मैं दूसरी तरफ धागे को निकाल लूँगी, और इस तरफ भी एक पर्ल को लगा लूँगी इसी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पर्ल्स लगा लिए हैं, और अब मैं यहाँ पर इसको लिप्स बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर का धागा लिया है, और वूल को सिलने वाली सुई ले ली है, नीडल ले ली है, और इस तरह से हम इसके अब लिप्स बना देंगे। आप चाहे इसमें पिंक कलर ले लें या रेड कलर ले लें, दोनों ही कलर दोनों अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरह से ये लिप्स को बनाकर इस धागे को पीछे की तरफ जाकर नोट लगाकर कट कर दूंगी। और अब मैं आपको 3 से लेकर 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस कैप में और इस कैप में देखिए मैं आपको फ़र्क बताती हूँ क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने 12 फंदों से बनाई है, और ये भी 12 फंदों से बनाई है, लेकिन ये जो मैंने कैप बनाई है, ये मैंने 11 नंबर की नीडल से बनाई है, और ये देखिए मैंने 12 नंबर के नीडल से बनाई है।
तो देखिए फ्रेंड्स, नीडल्स जितनी भी आप पतली लेंगे इसकी कैप उतनी प्रिटी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे 5 से लेकर 6 नंबर के गोपाल जी के लिए ये कैप बहुत अच्छे से आ जाएगी, और ये हमारी 7 से 8 नंबर के गोपाल जी के लिए आएगी। अगर आप 7 से 8 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 11 नंबर की नीडल लें, अगर आप 5 से 6 बनाना चाहते हैं तो 12 नंबर की नीडल लें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 3 और 4 नंबर की जो इस तरह की कैप बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।